एक्सपोज़ बता रहा है कौन सा पोज मारना है, गट्टू कौन सा पोज है, क्या दिखा रहा है बॉडी। देखो कितना जोर पड़ रहा है, देखा जोर पड़ रही है। मेरे को तो घर से निकलने में जोर पड़ी। तो सो जाएगा बेड पे? ठीक है, आ जाऊंगी आगे से। बाय। कहाँ पंकज का है? वो नहीं सामने। कहाँ सामने? अरे सामने दिख नहीं रहा। तो वो बंदे का है? बंदे पे जाएंगे। कार के अंदर है क्या अभी तक? सो फाइनली हम पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? गुपचुप लेक। तो उसका एंट्री कुछ ऐसा सा है। और ये कह रहा है कि पाप क्या ये गुपचुप लेक। देखो तो फाइनली हम अंदर पहुंच गए हैं और रिदास ने भी नई बात बताई है कुछ। और गट्टू इधर थक रहा है। कौन सा पानी में घुसना है? होते हैं जो घर से निकल तो जाते हैं लेकिन भुक्कड़ ही रहते हैं। अभी दिखाता हूँ कौन होते हैं वो। और ज्यादा एक्साइटेड है अंदर जाने के। चलो यार ये रख ले, एक बार रुक जा रिदान। सो फाइनली हम पहुंच गए अंदर। गट्टू क्या? सो भाई अब हम निकल रहे थोड़ा बाहर की तरफ। यहाँ पे वॉइस का पक्का कोई प्रॉब्लम आने वाला है, बिकॉज क्या है यहाँ पे ना बहुत शोर है। देखो अब आ गए हम यहाँ। पूरी केव में आपको कहीं भी ना सनलाइट नहीं दिखेगी, बट बाहर आओगे तो बहुत सुंदर एक व्यू दिखेगा। अरे गट्टू क्या लग रहा है बार बार पैर में, क्योंकि इसको पहले किसी ने बता दिया ना कि सांप है। अरे आपको भी लगा? नहीं, कोई क्या बैठी है? उल्लू बैठी है, इतने बड़े बड़े उल्लू है ना। वो देख पूरे जमीन पे बैठे हुए हैं। उल्लू से ज्यादा है, मेरे चार तीन दोस्त उल्लू साथ में आए हैं। यार गट्टू की चप्पल ने पागल कर दिया है, बार बार छोड़ दे रहा है जान जान के। चप्पल गई। पापा के फोन में कितनी अच्छी रोशनी आ रही है ना। साइड से निकल बेटा, आ जा। फिर चप्पल भाई ये बहुत सही है। कैफे वैफे बने हुए हैं। ओ भाई एक बात तो है कि इसके अंदर जाना ना बहुत ज्यादा टायरिंग है, थक जाता है बंदा। ऐसा लगता है पता नहीं कितने पहाड़ पे चल के आया, क्योंकि पानी को काट काट के अंदर जाना पड़ता है। कैसा लगा? औसम था ना एकदम। देखो भाई मैं ऐसी ऐसी जगह ही लेकर आती हूँ औसम, और पता चले मैं तुमसे बात करती करती यहाँ गिर जाऊँ। गंदा पानी है बहुत। छोटी छोटी तो बेटा हर जगह मिल जाएगी तुमको। पीछे हट जा, तेरे को बहुत अच्छा लग रहा है पानी जब से मैं देख रही हूँ। वो पत्थर मैंने बोला। अरे आप नहीं गए थे अंदर? तो ऐसे थक गए हैं बैठ कर। तो इसको चैन नहीं है, अभी पानी से निकल के आया है, फिर कह रहा पानी में जाऊंगा। तो हम आ गए हैं गंगा किनारे। घर के पास ओदे मोटे मोटे से चला नहीं जा रहा। मोटे आराम से आना, निकर फोल्ड कर ले आराम से। हाँ आजा आराम से बेटा, निकर ऊपर कर आजा। आ जा, इसलिए कह रहा हूँ मैं। भाई साहब मस्त व्यू है यहाँ से तो और भी ज्यादा। एकदम साफ पानी और वहां तक।
और ले लो। ना गंदा आप बोल रहे साफ पीने के लिए नहीं है बेटा ये। हरियन मेंढू कहां ये भाग गया तू ले ये रहा ये रहा ये रहा इस वाले में ये रहा कहां तक तो मैं मिला मेंढक आज मेंढू दिदास किएगा मेंढू मेंढक का सूप पिएगा पत्थर मजा हमें को इधर आ रहा मजा रिदांश को इधर आ रहा मजा वो बंदे ऐसे हैं जो आ तो जाएंगे दिल्ली से यहाँ पे दिखाता हूँ आपको लेकिन वहीं बैठ जाएंगे लेके जाओ तो प्रॉब्लम ना लेके जाओ वो प्रॉब्लम वो देखो मिली है डांसिंग मछली ये देखो कैसे डांस कर रही है किसी के मजा आया था मुझे आए दोनों के इतने मजा आ रहे कि पूछो मत बैठ जा नीचे बैठ जा यहाँ बैठ जा ना यहाँ बैठ जा लगानी है लगा ले फिर इसलिए मैं बता रहा है कौन सा पोज मारना है गट्टू कौन सा पोज है क्या दिखा रहा है बॉडी मेरे ऊपर मत गिर पानी मत गिर बेटा कुल मिला के एक ही बात है अगर आप इंजॉय करने आए तो ढंग से करो ना तो अपने घर रहो है ना भाई ये पतला पेट सिक्स पैक है भैया जो फील है ना मतलब चारों तरफ फील है इधर भी ओ भाई कपड़े गिर इधर भी बच गए पानी मत लियो मुंह में गंदा पानी है बेटा मुंह में नहीं लग जाएगा हिदांश मैं लेके जा रहा हूँ दोनों को तुम मान नहीं रहे ना मैं जा रहा हूँ बड़ा बनाएंगे बनाएंगे केवल वहीं पे अपने में ये मतलब ग्रीन एरिया रहेगा आगे ना वो खंबे से उस खंबे से लेके यहाँ तक और आगे का आगे रिवर है अच्छा आगे रिवर है भैया कहाँ लिया ये मैंने बिकवाया वो ना अच्छा उस तरफ नहीं है कुछ उस तरफ अभी नहीं है वो थोड़े बेटर लग रहे हैं पर वो एग्रीकल्चर है ये रेजिडेंशियल है तो वो सस्ता होगा 1.2 का बिका है कितने का चाहिए ये वाला 240 220 गज 420 गज 420 गज का ऐसा दिलवा दो बना हुआ देखो आंटी को दे दो है ना और तो गाइस हम पहुंच गए जंगल के बीचों बीच आरपीएन रिसोर्ट ढूंढने एक्चुअली यहाँ पे किसी ने बोला एक जंगली शेर घूम रहा है जंगली शेर घूम रहा है तो उसे ढूंढते ढूंढते आ गए जंगली शेर तो लेके दे ना कुत्ता जंगली कुत्ता देख के पूछू किसी से जंगली शेर आरपीएन रिसोर्ट पारस को दे दो यार तो फाइनली हम अंदर पहुंच गए सबसे बड़ी बात है कच्ची ईंटों पे बना देंगे कच्ची ईंट ना थी पक्की ईंटों में यार तो समझा नहीं प्लास्टर भी नहीं है ना वो डिजाइन हो गया ऐसा वो तो मुझे भी